अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन रोजाना 70 फेरे लगाएगी। इसके लिए कई रेक का प्रयोग किया जाएगा। ज्यादा फेरों का मकसद बुलेट ट्रेन को घाटे से बचाना है। इसके लिए यात्रियों को 250 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक के कई किराया पैकेज पेश किए जाएंगे। बुलेट ट्रेन का निर्माण इस साल दिसंबर से शुरू होकर 2022 के अंत तक समाप्त होने की उम्मीद है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अचल खरे के अनुसार आज की बाजार स्थिति के अनुसार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को किराए की दृष्टि से दो हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया गया है। एक अहमदाबाद से मुंबई के पहले बाहरी स्टेशन तक और दूसरा मुंबई के बाहरी स्टेशन से अंतिम भीतरी स्टेशन तक। पहला पैकेज 3000 रुपए का होगा जबकि भीतरी पैकेज की कीमत केवल 250 रुपए होगी। इसमें सात मुंबई और आसपास के 7 स्टेशन कवर होंगे। इसे उस स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो थाने से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच आवागमन के लिए रोजाना टैक्सी का उपयोग करते हैं और 550 से 650 रुपए खर्च करने के बावजूद ट्रैफिक जाम का शिकार होते हैं। इन लोगों को बुलेट ट्रेन महज 15 मिनट में गंतव्य तक पहुंचाएगी। बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट लाया और पूरे देश को खड़ा कर, क्या समय की मांग नहीं है? बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें, देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर। बुलेट ट्रेन 200 किलोमीटर की औसत तथा 320 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार पर चलेगी। बुलेट ट्रेन का निर्माण इसी वर्ष दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा। पूरी परियोजना में केवल समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर सुरंग वाले हिस्से का निर्माण जापानी कंपनियां करेंगी, जबकि एलिवेटेड 460 किलोमीटर और जमीनी हिस्सा भारतीय कंपनियां बनाएंगी। खरे के अनुसार जापानी शिंकासेन के भांति भारतीय बुलेट ट्रेन भी सुरक्षा और समय पालन के मामले में एक मानक स्थापित करेगी। इसके लिए 360 कर्मचारियों को जापान में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इनमें से 80 को शिंकासेन बुलेट ट्रेन में वास्तविक ट्रेनिंग दी जाएगी। बुलेट ट्रेन को अमली जामा पहनाने के लिए करीब 80 जापानी अधिकारी भारत में काम कर रहे हैं। एसटीवी न्यूज के लिए नियाज खान की रिपोर्ट।